तो आ गए आप लोग। आज मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में, बीपी के बारे में बताऊंगा कि बीपी कितना नॉर्मल होना चाहिए वेट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, और बीपी कैसे आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा डिवाइस हो, बीपी इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक, तो आज इसी के बारे में मैं बताऊँगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछे भी थे। तो ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये हिक्स का इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट है, या मेजरमेंट मान सकते हैं आप इसको। इसमें देखिए ये इसका स्कार्फ बांधने वाला है, इसको यहाँ देख सकते हैं आप इसको कैसे चेक किया जाता है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। इसमें इंडिकेशन दिखाया है कैसे आपको क्या यूज़ करना है। तो सबसे बड़ी बात कि आज बीपी में आप देख सकते हैं बीपी कैसे चेक करना है, आज मैं बताऊँगा। प्लस बीपी में दो चीज़ होता है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। ये सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्या होता है, तो कृपया पूरा समझने के लिए ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और चलिए मेरे साथ मेरे टीम में रवि मेरे स्टाफ है, और रवि को आज मैं आपको रवि पे दिखा रहा हूँ, रवि को चेक करके कैसे आप इसे कर सकते हैं बीपी चेक। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी का है तो संभवतः सभी का मॉडल इसी टाइम में इलेक्ट्रॉनिक में रहता है। ये मेरे पास फिक्स का है, फिक्स काफ़ी जाना माना कंपनी है, और आप इसको देख सकते हैं यहाँ सिस्टोलिक दिया हुआ है, यहाँ डिस्टोलिक दिया हुआ, और इसमें पल्स भी बताता है, नाड़ी की गति भी बताता है। तो हम लोग चालू कर रहे हैं। रवि जी हमारे बाएँ हाथ में आपका, रवि का बाएँ, जब भी चेक किया जाता है संभवतः अगर बाएँ हाथ दोनों हाथ मौजूद हो तो बाएँ हाथ में ही ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो यहाँ देखने में इसको ये पाइप वाला नीचे रहेगा और वेन की सिराई पर रहेगा, इस तरह से इसको हम कस के बांध देते हैं। इस तरह देखिए इंडिकेशन दिया हुआ है, इधर दिखा हुआ ये हमारे पास फिक्स का मेजरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन, और इसको हम यहाँ से इसको इन करेंगे इसमें, और कुछ करना नहीं, इसमें चार सेल अंदर लगे हुए हैं, और हमें यहाँ से ये जो बटन दिया हुआ है इसको ऑन करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम इसको ऑन करेंगे, अभी रेडी है, अभी इसको प्रेशर देना चालू कर देगा मशीन, इसमें एयर जाएगा, एयर इनको दबाएगा, और एयर हमारे सीरा और धमनी दोनों नसों को दबाएगा और उसका प्रेशर को देखेगा। ये देखिए काउंट करना चालू हो गया है। तो इस तरह से काफ़ी आसान है, ये अभी काउंट हो रहा है, अभी सिस्टोलिक डिस्टोलिक नहीं बता रहा है, पल्स नहीं बता रहा है, उस दिन अभी काउंट करके ये बता देगा। सबसे ज़रूरी बात है कि हाथ एकदम सीधा रहना चाहिए जब भी जिसका भी ब्लड प्रेशर चेक करना हो। दूसरी बात, वो पेशेंट बात ना कर रहा हो या बोले ना तो सही मेजरमेंट आता है। इस तरह देखिए अभी काउंट चल रहा है, रवि जी हमारे टीम में है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ देखिए बीपी काउंट हो चुका है। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ इनका सिस्टोलिक 109 और डिस्टोलिक 54, और पल्स हमारा कितना बता रहा है इनका 84। यहाँ देखिए 109 क्या है, ये 109 और 54 क्या है, 109 जो है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि आपके नस में कितना प्रेशर पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर कितना आपके वेन में, ब्लड का प्रेशर कितना है नस में। ये सिस्टोलिक का होता है नस पे ब्लड कितना प्रेशर दे रहा है, इनका 109 दे रहा है। और डिस्टोलिक का मतलब होता है कि फेफड़े में या हार्ट में ब्लड को, जो ब्लड हमारा पंपिंग होता है हार्ट की वजह से, तो हार्ट कितना ले रहा है, हार्ट कितना अपने अंदर ब्लड को ले रहा है, तो इनका ये 54 बता रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं सिस्टोलिक का होता है नस पे कितना दबाव है, और ये डिस्टोलिक का होता है कि आपके हार्ट पे कितना दबाव चल रहा है, कितना तेज पंपिंग हो रहा है। तो यहाँ आप सिस्टोलिक और डिस्टोलिक समझ सकते हैं। सिस्टोलिक नस के दबाव को काउंट करता है, डिस्टोलिक हमारे रक्त को अवशोषित करने की गति को, या उसको हार्ट पे देखता है कि कितना 80 जहाँ नियम पर देखा जाए। अक्सर लोग जानते हैं 120 और 80 नॉर्मल वैल्यू माना गया है ब्लड प्रेशर का। तो 120 क्या है सिस्टोलिक है, और 80 क्या माना जाता है नॉर्मल में, डिस्टोलिक की, ये हार्ट कितना तेज पंपिंग कर रहा है या ब्लड को ले रहा है अपने पास। और सिस्टोलिक देखा जाता है 120 की, 120 नॉर्मल आता है, इतना प्रेशर अगर नस के ब्लड प्रवाह में लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही जब 120 बढ़ के 40 या 40 प्लस हो जाता है तो एज और उम्र के हिसाब से लोगों को प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन बीपी हो जाता है, और अगर यही 90-50 हो जाता है तो ये हाइपो माने कम, लो बीपी होने लगता है। तो इस तरह से आप लगभग समझ चुके होंगे कि हाइपर और हाइपरटेंशन क्या है। हाइपो लो है और हाइपर बीपी अधिक है, बीपी जब अधिक रहता है तो उसको
हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं, बीपी जब लो रहता है इसको हाइपो टेंशन कहते हैं। तो इस तरह से बीपी लो और इसके बारे में आप जानेंगे। और दूसरी चीज़ कि हम इसको आपको बता रहे हैं कि देखिए सामान्यतः है जो हमारी WHO का रेशियो उसमें 120-80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया गया है 120, और 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट कम बीपी दिन भर में हमेशा होता रहता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बाकी बीपी घटता बढ़ता क्यों है, ये हमारे खान पान रहन सहन और ऑयली चीज़ खाने से, तेलीय सामान खाने से, नमक का अधिक प्रयोग करने से, धूमपान करने से, शराब पीने से, किडनी में किसी तरह के फंक्शन में प्रॉब्लम आने से, तो कई कारण है जो बीपी डिस्टर्ब होता है। ब्लड प्रेशर जब डिस्टर्ब होगा तो आपके शरीर में रक्त संचार अच्छे से नहीं हो पाएगा, जब रक्त संचार अच्छे से नहीं होगा तो आप बीमारियों के चपेट में आ जाएंगे। और इस समय जो बीपी का सबसे मेन कारण है वो हाइपरटेंशन, ज़्यादातर पुरुषों में हाइपरटेंशन होता है, महिलाओं में भी हाइपरटेंशन होता है, लेकिन अधिकतर उनके में होता है लो ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन पुरुषों में अधिक, क्योंकि पुरुष काफ़ी फास्ट फूड भी खाते हैं और टेंशन भी हो जाता है काम धाम और बिजनेस का, हर तरह का थोड़ा पारिवारिक टेंशन, तो इस तरह से खासकर इस समय बीपी बढ़ने का कारण है टेंशन, पढ़ाई का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर लोग चल रहे हैं। तो इसी तरह आपको संभवतः सिस्टोलिक और डिस्टोलिक और पल्स के बारे में समझ में आ गया होगा, इसमें पल्स भी बताता है, हमने अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं काफ़ी अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं। और सबसे मेन काम कि आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का होता है उसको टच कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगा तो आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। मैं हेल्थ जानकारी और अच्छी ज्ञानवर्धक ही वीडियो बनाता हूँ, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो रवि जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें काफ़ी अच्छा लगा, रवि जी हमारे टीम के ही हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं।